कलेक्शन ऑफ डेटा कंटिन्यू हो रहा है, इंटरनल सोर्सेज एक्सटर्नल सोर्सेज हो चुका है, अब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे टाइप का डेटा भी होता है। तो सबसे पहली चीज, ये प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी डेटा, इट इज द डेटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड, विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर और एन एजेंसी फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। प्राइमरी डेटा, आपको कोई स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करनी थी, प्लीज यूज दीज वर्ड्स, तभी याद रहेंगे और तभी उनका मीनिंग भी समझ आएगा। आपको कोई स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करनी थी जिसके लिए आपने खुद सर्वे कंडक्ट करा, आपने एन्यूमरेटर्स अपॉइंट करे, आपने जाके रिस्पोंडेंट से डेटा लिया, दो चार बार वर्ड यूज करोगे समझ आ जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है ना? वरना क्या होगा, बाद में मिक्स हो जाएंगे, कौन एन्यूमरेटर, कौन इन्वेस्टिगेटर, कौन रिस्पोंडेंट। नहीं, मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन, तो आई एम द इन्वेस्टिगेटर। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट वुड बी माई स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। मैं एक टीम बना रहा हूं, जो टीम मेंबर्स होंगे दे आर एन्यूमरेटर्स, वो जाके मार्केट में लोगों से क्वेश्चंस पूछ के आएंगे, जिनसे पूछेंगे वो हो गए रेस्पॉन्डेंट्स, और जो वो क्वेश्चन पूछेंगे दैट इज द सर्वे, ठीक है? अब ध्यान से देखना, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनको कौन सा स्पोर्ट खेलना पसंद है, मुझे वो इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ थ्रू माई एन्यूमरेटर्स, बट ये प्राइमरी डेटा माना जाएगा क्योंकि आपने खुद जा जा के वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, वो खुद जाके अगर आप ऑन ग्राउंड या खुद वो सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, सर आप थोड़ी ना गए, एन्यूमरेटर गए, वो प्रोसेस आपने कैरी आउट करा है, वो प्रोसेस आपने कैरी आउट करा है, तो वो प्राइमरी डेटा है। अब मैं जानना चाहता हूं कि इंडिया पिछले 20 सालों में कितने मैचेस जीती है, तो मैंने गूगल करा, इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये इंफॉर्मेशन किसने गैदर करी, मैंने। वो मैचेस कब जीती थी, कहाँ जीती थी, वो इंफॉर्मेशन तो किसी और ने गैदर करी, मैं तो उसको यूज कर रहा हूं। मैं गया इंडिया से पूछने कि आपने कब कब कौन सा मैच खेला और क्या बीसीसीआई वालों से, नहीं, मुझे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिली, वो मैंने यूज कर ली। अगर ऑलरेडी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हैं, जैसे आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ध्यान से देखना, आपको स्कूल में प्रोजेक्ट मिला कि चलो जी 11, आप किसी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताओ, वो इंफॉर्मेशन तो ऑनलाइन अवेलेबल है ना, इज दैट अ प्राइमरी डेटा और अ सेकेंडरी डेटा? वो आपने कंपनी से जाके कलेक्ट करी वो इंफॉर्मेशन या नहीं? नहीं, आपको ऑलरेडी पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन मिली, तो आपने खुद वो इंफॉर्मेशन जाके प्राइमरी सोर्स, समझ रहे ना, फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन खुद जाके वो इंफॉर्मेशन लेके आए हो, तो प्राइमरी डेटा होता है। ऑलरेडी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो इन अ पब्लिश्ड फॉर्म और अ डिजिटल फॉर्म, तो वो सेकेंडरी डेटा। इंपॉर्टेंट है, जितनी बार सुनेंगे उतनी और क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। द सोर्स फ्रॉम विच द प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड इज कॉल्ड द प्राइमरी सोर्स। आगे आएंगे चीजें कि आपने फिर उसके बाद क्या किया, तो फिर किसी केस में सेकेंडरी डेटा भी मेरा प्राइमरी बन सकता है, वो धीरे धीरे आएंगी सेग्रीगेशन, बट अभी होले होले। प्राइमरी डेटा इज द डेटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर और एन एजेंसी फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, जहां पे वो डेटा ओरिजिनेट हुआ वहां से जाके आप डेटा कलेक्ट करके आए हैं, या आपकी टीम कलेक्ट करके आई है तो आप ही कलेक्ट करके आए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे प्राइमरी डेटा होता क्या है। द सोर्स फ्रॉम विच प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड इज द प्राइमरी सोर्स, सच डेटा इज ओरिजिनल इन कैरेक्टर एज इट इज बीइंग कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज डिजायर टू कंडक्ट एन इंक्वायरी इन टू द एज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज इन अ कंपनी एंड इफ सच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द वर्कर्स देमसेल्व्स, देन सच डेटा वुड बी टर्म्ड एज प्राइमरी डेटा। मैं करेक्ट करना चाहता हूँ इस क्लास में इंफॉर्मेशन कि आपका वेट क्या है, तो वेट आपका लिया मैंने तो वो हो गई प्राइमरी
प्राइमरी डेटा हो गया वो। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी स्कूल में कोई फॉर्म सबमिट कर रखे हैं, फिर वो फॉर्म से मैं डेटा रिट्रीव कर रहा हूँ, वो डेटा मैंने नहीं कलेक्ट करा, दैट इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी सोर्स। बट अभी प्राइमरी पे फोकस करते हैं। हाउएवर इफ ऑब्टेनिंग द डेटा, इफ इंस्टेड ऑफ ऑब्टेनिंग द डेटा अबाउट द एज ग्रुप फ्रॉम द वर्कर्स देमसेल्व्स, कह रहा अभी तो हमने एग्जाम्पल लिया कि आपने वर्कर्स से डेटा डायरेक्टली ले लिया कि किसकी क्या एज है, उसके अलावा सच डेटा इज टेकन फ्रॉम द कंपनी रिकॉर्ड्स, कि आपने कंपनी रिकॉर्ड निकाले कि जब उन्होंने सीवी सबमिट किया था तो सबकी डेट ऑफ बर्थ थी, सारा डेटा कंपाइल करा, देन द डेटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को आपने यूज करा है एक नई इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। सर वो तो हमारा ही तो डेटा था, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या उस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट किया आपने? नहीं, डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड था, कंपनी रिकॉर्ड में सबकी प्रोफाइल थी, वहां से आपने डेटा रिट्रीव कर दिया। क्या आपने सोर्स ऑफ ओरिजिन से जाके सवाल पूछे? तो बहुत सारे क्राइटेरिया है ना प्राइमरी डेटा के, सोर्स ऑफ ओरिजिन फॉर द फर्स्ट टाइम, नो द डेटा वाज ऑलरेडी कलेक्टेड, वो अब आप यूज कर रहे हो किसी और पर्पस के लिए। बात समझ आ रही है? प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड ओरिजिनली एंड सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड थ्रू अदर सोर्सेज। सो प्राइमरी डेटा वंस कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बिकम सेकेंडरी डेटा। एक बार आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको पब्लिश कर दिया, अब वो जब जब यूज होगा तो वो सेकेंडरी डेटा माना जाएगा, अब वो सेकेंडरी डेटा माना जाएगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम यूज नहीं हो। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, द डेटा विच इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बट रादर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेज। डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे, डेटा सोर्स कर रहे हैं, डेटा सर्च कर रहे हैं। तो आप सोर्स से थोड़ी ना सर्च कर रहे हैं, आप तो देख रहे हैं कि ऑलरेडी किसी ने ये मेहनत कर रखी है क्या, कहीं से ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है क्या। सोर्स से नहीं, कहीं से भी, तो इट मे बी पब न्यूज़पेपर में जो आ रहा है, दैट इज सेकेंडरी डेटा। जर्नलिस्ट ने जाके जो इंफॉर्मेशन गैदर करी वो उनके लिए प्राइमरी डेटा था, बट हम तक पहुंचते, हम जो न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, वो ये चीज हमारे लिए सेकेंडरी डेटा है क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश फॉर्म में है, हम थोड़ी ना सोर्स से जाके वो इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। द डेटा विच इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बट रादर ऑब्टेन फ्रॉम अ पब्लिश और एन अनपब्लिश सोर्स इज नोन एज सेकेंडरी डेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड हैंड डेटा। दीज आर नॉट ओरिजिनल डेटा सिंस द एन्यूमरेटर्स और इन्वेस्टिगेटर्स देमसेल्व्स डू नॉट कलेक्ट दीज डेटा, दे सिंपली मेक यूज ऑफ द डेटा कलेक्टेड बाय अदर्स। तो वो खुद कलेक्ट नहीं कर रहे, जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है उसको यूज कर रहे हैं, कोई हार्म नहीं है उसमें, हम यूज करेंगे। मुझे डेटा चाहिए जीडीपी पे, अब मैं थोड़ी ना कलेक्ट कर सकता हूँ वो डेटा, तो जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है मैं वो यूज करूंगा, तो उसमें कोई गलत नहीं है। वो बस ये बता रहे कि एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा, इट डिपेंड्स ऑन योर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कि आपके लिए क्या ज्यादा सूटेबल होगा। सेकेंडरी डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड ईदर फ्रॉम पब्लिश सोर्सेस और फ्रॉम एनी अदर सोर्स लाइक अ वेबसाइट। तो आप कंपनी की वेबसाइट से उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, इज दैट अ प्राइमरी डेटा और अ सेकेंडरी डेटा? हमारे लिए सेकेंडरी है, ऑलरेडी पब्लिश्ड है, कंपनी ने जब फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग करी थी उनका वो प्राइमरी डेटा था, हम वो यूज कर रहे हैं, हमारे लिए वो सेकेंडरी डेटा है। इट सेव्स टाइम्स एंड कॉस्ट क्योंकि हमें नहीं करना ना वो सारा मेथड प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, नो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है, हम बस उसको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश बाय द इंडियन गवर्नमेंट वुड बी सेकेंडरी डेटा फॉर एनी रिसर्चर। तो गवर्नमेंट जो भी डेटा पब्लिश कर रही है, गवर्नमेंट ने कलेक्ट करा, गवर्नमेंट के लिए वो प्राइमरी डेटा है, बाकी जितने यूजर्स हैं उस चीज के उनके लिए वो सारी चीजें क्या है? सेकेंडरी डेटा। कोई डाउट? ठंड तो नहीं लग रही बेटा? पक्का? चलो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस वेरी हाई, तो थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा? जितनी बातें सुन ली वही समराइज हो रही है। बेसिस हमेशा लिखना एग्जाम में, जब भी डिफरेंशिएट कर रहे हो तो बेसिस जरूर लिखना। प्राइमरी डेटा इट इज ओरिजिनल बिकॉज इट इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मतलब सर इन्वेस्टिगेटर, फिर एन्यूमिनेटर क्या करेगा? अरे भैया मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपने खुद गैदर करी, चाहे एन्यूमिनेटर्स के थ्रू करिए उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो आपने ही गैदर करी। ओरिजिनैलिटी, प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल इन नेचर।
सेकेंडरी डेटा इज नॉट ओरिजिनल इन नेचर, डेटा किसी और ने कलेक्ट किया था भाई साहब, आप तो उसको यूज कर रहे हो, गलत नहीं है बट वो ओरिजिनल नहीं है। अब आपको उस पे सोर्स पे भरोसा है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है सोर्स क्या है आपके इंफॉर्मेशन का, बात समझ आई? तो सेकेंडरी डेटा जब जब यूज करें तो किस चीज पे ध्यान दें, सोर्स क्या है, सोर्स क्या है। तो तब भी कभी क्या होता है कि जैसे कुछ लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या कुछ लोग रिसर्च करते हैं तो नीचे लिखा होता है सोर्स सोर्स, क्योंकि वो डेटा उन्होंने खुद थोड़ी ना कलेक्ट करा है, उन्होंने ऑनलाइन सर्च करा, इंफॉर्मेशन उन्होंने मिली तो उन्होंने सोर्स लिख दिया कि ये सोर्स है, तो मतलब क्रेडिट्स दे रहे हैं, ठीक है ना। वो एक मतलब इट इज अ गुड हैबिट कि भैया सोर्स मेंशन करना कि ये सोर्स क्या है, उससे आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसकी, रिलायबिलिटी एनहांस हो जाती है। आप लिखते ना सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक टाइम्स या रॉयटर्स, कुछ भी सोर्स है अगर, तो इट एड्स क्रेडिबिलिटी टू द डेटा। सोर्स प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड बाय सम एजेंसी और अ पर्सन बाय यूजिंग मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी डेटा इज ऑलरेडी कलेक्टेड एंड प्रोसेस बाय सम पर्सन और एजेंसी एंड इज रेडी फॉर यूज। प्राइमरी डेटा सोर्स अरे भाई साहब आपको खुद जाके कलेक्ट करना है, वो सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है। टाइम फैक्टर डेफिनेटली प्राइमरी डेटा विल टेक मच लॉन्गर टाइम, आपको जाके डेटा कलेक्ट करना है, सेकेंडरी डेटा तो कट 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 5 मिनट में डेटा मिल गया, सेकेंडरी डेटा रिक्वायर्स लेस टाइम। कॉस्ट फैक्टर मच कॉस्टलियर, प्राइमरी डेटा इट रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी एंड पर्सनल, मतलब मैन पावर भी चाहिए, पैसा भी लगेगा, पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। सेकेंडरी डेटा इज चीपर एज इट इज टेकन फ्रॉम ऑलरेडी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड मटेरियल बट इट इज ऑलरेडी कलेक्टेड, आपको डेटा कलेक्ट नहीं करना। रिलायबिलिटी एंड सूटेबिलिटी प्राइमरी डेटा इज डेफिनेटली मोर रिलायबल, आपने कलेक्ट किया तो आपने अपनी एक तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से करा होगा और आपके सामने आंखों के सामने से पूरा प्रोसेस निकला है, तो उसमें कोई लूप होल होगा तो आपको दिख जाएगा कि कैसे आपने उस डेटा को कलेक्ट करा। इट इज डेफिनेटली मोर रिलायबल एंड सूटेबल टू द इंक्वायरी एज द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी उस टाइप के तो क्वेश्चन आपने वही इन्फॉर्मेशन गैदर करी होगी तो आपके लिए वो ज्यादा रिलायबल है। तो सर फिर हमेशा यही करना चाहिए बेटा, कॉस्ट भी तो इन्वॉल्व है, तो आपको ये देखना है कि आपकी इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी आपको कितनी चाहिए, कितना पैसा आप खर्च करने के लिए तैयार हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तब डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड होना चाहिए, कौन सा डेटा होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डेटा इज लेस रिलायबल एंड लेस सूटेबल एज समवन एल्स हैज कलेक्टेड द डेटा विच मे नॉट सर्व द पर्पस, बट इफ इट इज सर्विंग योर पर्पस आप एक एडवांटेज पे हैं, आपके वो सारे खर्चे बच जाएंगे, आपको वो पूरा प्रोसेस खुद नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है। विदाउट प्रिकॉशंस देर इज नो ग्रेट नीड फॉर प्रिकॉशंस, क्योंकि आप खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो ऑलरेडी आप ध्यान दे चुके होगे उन चीजों पे, लेकिन जब आप किसी और का डेटा यूज कर रहे हो तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा यार, इनका ना मतलब इन्फॉर्मेशन मुझे रिलायबल नहीं लगती, पिछली बार भी एक हफ्ते बाद सॉरी लिख दिया था फॉर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो आपको देखना है कि आपका सोर्स क्या है, आपका सोर्स क्या है कि वो रिलायबल है कि नहीं है। जब आप खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हो अपने आप पे तो भरोसा कर ही लेना चाहिए, तो ज्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है, बट किसी और का कर रहे हो तो इट शुड बी यूज्ड विद ग्रेट केयर एंड कॉशन। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स इलैबोरेट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, आपको पूरा प्रोसेस सेटअप करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, स्टेप्स इन्वॉल्व है, नो नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, डेटा ऑलरेडी जिन्होंने डेटा कलेक्ट करना है उनका काम है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, टास्क असाइन करना, क्वेश्चनर बनाना, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा इज ऑफ डिग्री, द डेटा कलेक्टेड बाय वन विल बी प्राइमरी बट द सेम डेटा यूज बाय अनदर विल मेक इट सेकेंडरी। मैंने कोई इंफॉर्मेशन गैदर करी वो प्राइमरी, वही इंफॉर्मेशन कोई और यूज कर रहा है दैट वुड बी सेकेंडरी। फॉर एग्जाम्पल डेटा कलेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज With regard to birth rate in the country, birth rate, death rate, population, कुछ भी हो, human resources ministry ने data collect करा, उनके लिए primary है,
हम वो स्टडी कर रहे हैं हमारे लिए सेकेंडरी है। हॉस्पिटल्स वो स्टडी कोई भी वो चीज को यूज कर रहा है। हाउएवर इफ द सेम इज यूज बाय अस इट बिकम्स सेकेंडरी। कोई डाउट? कोई भी डाउट? अनपब्लिश्ड सोर्स जो कहीं छपा नहीं, जो कहीं छपा नहीं बट एग्जिस्ट करता है। तो फिर सर पता कैसे चलेगा अगर अनपब्लिश्ड है? तो पब्लिश्ड होता है कि बुक में आया है, ऑनलाइन आर्टिकल है, या मतलब जैसे कहते हैं ब्लॉग है, वो पब्लिश डेटा नहीं होता। वो पब्लिश डेटा नहीं होता। पब्लिश होता है न्यूज़पेपर में आ गया या बुक छप गई, वो पब्लिश डेटा है। एक हो गया कि मैं हम न्यूज़ देख रहे थे और उसमें अनाउंसमेंट हुई कि ये वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर करी, हमारे साथ शेयर करी। इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट करी थी, हमारे साथ शेयर करी एज एन अनाउंसमेंट। दैट इज अनपब्लिश डेटा। दैट इज अनपब्लिश डेटा। दैट इज डेटा बट अनपब्लिश्ड। बट अनपब्लिश्ड ओके। पब्लिश सोर्सेस अभी आ जाएंगे कि मतलब मैगजीन्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, तो और कंपनी रिकॉर्ड्स भी एक पब्लिश डेटा ही होता है। कंपनी रिकॉर्ड भी पब्लिश डेटा ही होता है। बट कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है बट इन्फॉर्मेशन है। दैट इज एन अनपब्लिश डेटा।